नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनल ले आपन समस्त को स्वागत। एही वीडियो टी भलो लागिले लाइक शेयर कमेंट करबा को भूलिबे नै। जदि आपन माने हमर चैनल को नुवा आसीथिबे ताहाले सब्सक्राइब निहाते करि देबे ओ पाखरे थिबा बेल बटन को दबाई देबे जहा फलो रे आपन माने हमर वीडियो गुडी को सर्वप्रथमे देखि पारिबे। आज हमें एही वीडियो रे तृतीय श्रेणी आम भाषा आम साहित्य बहर विप्लवी जगबंधु विषय अभ्यास कार्य आरंभ करवा। पाने वर्तमान तालोले दुई नंबर प्रश्न रु आरंभ करवा कहीं एक नंबर अभिनय छल कथबार्ता करने दुई नंबर कौन अच्छी ना तले कतोटी शब्द दिगला एम जो गुड़ी को आम यही पाठ से पढ़ीचु आस ताक खोजा और वाक्य गढ़ी लेखिया तले दि जा शब्द गुड़िक बर्तमान तालोले वाक्य गठन करवा। कौन अच्छी पाइक पाइक को वाक्य गढ़ले कौन हे खोर्धा राजा पाइक सैन्य फाँसी को वाक्य गढ़ले कौन हे शहीद लक्ष्मण नायक को ब्रह्मपुर जेल रे फाँसी दि जा घास को वाक्य गढ़ले कौन हे मनीषर चोला बाटर दुब घास कणे ना कलम को वाक्य गढ़ले कौन हे बंधु कोठारु कलम टाण फसल को वाक्य गढ़ले कौन हे कृषक कठिन परिश्रम करी फसल उत्पादन करे असहयोग को वाक्य गढ़ले कौन हे गांधीजी आम देश में इंग्रज मान विरोध में असहयोग आंदोलन चलते शस्य को वाक्य गढ़ले कौन हे खाद्य शस्य को निरापद साइति रखा उचित विमान को वाक्य गढ़ले कौन हे ठाकुर विमान बस यात्रा करती तीन नंबर देख किए क्या कही बहिरु खोजी तले दि जा नाम सहित तो जोड़ को नंबर केते दिन आउ एकाकी खोर्धा से अटकई पारे एक किए क्या छुआल सिंह बक्सी जगबंधु को कही ख नंबर देख लोके तो आमर शक्ति लोके तो आमर साहस एक किए क्या दल बेहेरा छुआल सिंह को कही ग नंबर देख खाली उपाय थिले कौन हेब अस्त्र ना एक किए क्या छुआल सिंह बक्सी जगबंधु को कही घ नंबर देख से एक नुआ प्रकार अस्त्र अच्छी तुम पाखरे अच्छी मो पाखरे अच्छी प्रत्येक पाखरे किए क्या बक्सी जगबंधु पाइक मान कही चारि नंबर देख डाण पाखर अक्षर टीए बाछी शब्द टीए गढ़ कौन अच्छी दंतने करे आकार देश दंतेन कौन हे निकांचन तापर कौन अच्छी बरे हसे रे ओकार डेर विरोध तापर कौन अच्छी दंतेश डेस दंतेन संधान ओ डेस कंथा ओ डेस पण तापर कौन अच्छी दंतन हसे डेस अंतस्तय कौन हेबो निर्दय पांच नंबर देखो आस उत्तर लेखिबा को नंबर बक्सी जगबंधु किए बक्सी जगबंधु थिले पाइक मानंकर नेता ख नंबर देख जय राजगुरु किए जय राजगुरु खोर्धा राजा पारंपरिक राजगुरु इंग्रज माने ओडिशा दखल करिबा परे इंग्रज सरकार विरोध में जो आंदोलन होता तहीं से मुख्य भूमिका नहीं थिले ग नंबर देख बक्सी परिवार को इंग्रज माने कहीं बांधि नेले बक्सी नेतृत्व में पाइक मैंने इंग्रज मान विरोध में विद्रोह करते बक्सी को जबत करने इंग्रज मैंने पर बांधि ने छ नंबर देख तल कठरी भितर शब्द बाछी खाली स्थान पूरण कर क नंबर भारत प्रत्येक राज्य आज देश अधिकार भारत प्रत्येक राज्य आज इंग्रज अधिकार क नंबर देख देश को छाड़देले ओडिशार सबु अंचल इंग्रज माने दखल कले खोर्धा को छाड़देले ओडिशार सबु अंचल इंग्रज माने दखल कले ग नंबर देख सूर्य डेस रे उदित हेले मध्य ताहा हेबो नाही सूर्य पश्चिम रो उदित हेले मध्य ताहा हेबो नाही घ नंबर देख डेस रो साही साही ओ आखो पाखरे गां सबु हुत हुत होई जळुची रडंगर साही साही ओ आखो पाखर गां सबु हुत हुत होई जळुची मो नंबर देख से अस्त्र हेउची इंग्रज मानंक सह डे से अस्त्र हेउची इंग्रज मानंक सह असहयोग सात नंबर देख एही विषय टी रे असहयोग को अस्त्र रूपे ग्रहण करा जायची एहा किपरि अस्त्र हैला ताहा निज भाषा रे लेख
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଅସହଯୋଗକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ବା ଇଂରେଜ ପକ୍ଷର ଜଣେ ହେଲେ କାହାରି ସହିତ ଆମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରି ସେହି ଧନରେ ଆମ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ବା କର ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜମି ଚାଷ କରିବାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ଶସ୍ୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁ ପଛକେ ଆମେ ଜମିରେ ଲଙ୍ଗଳ ଗାର ମାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ସିନା ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯିବା। ଇଂରେଜ ପକ୍ଷର ଲୋକେ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ କି ଟୋପାଏ ପାଣି କେଉଁଠାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ସୁତରାଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କର ନ ଦେବା, ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷ ନ କରି ପଡ଼ିଆ ପକାଇଦେବା ପ୍ରଭୃତି ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର। 8 ଦେଖ, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଓ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଲେଖ। ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଗେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡା, ତଲୱାର, ପାଙ୍କ ଛୁରୀ ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡା ଚଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୀରମାନେ ଢାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନିକମାନେ ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ ଆଦି ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗହଳ ତଟାମାନଙ୍କରେ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି ପକାଯାଉଥିଲା। 9 ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର କେତେଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ତଳେ ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଗାର ଟାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। 10 ଦେଖ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଧରଣୀଧର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କେନ୍ଦୁଝର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କୋରାପୁଟ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ସମ୍ବଲପୁର। 6 ଦେଖ, ଉପର ପସନ୍ଦ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇ ଫଟୋ ଦେଇଦେଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।